हेलो माय क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर्स एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश कि आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो यू नो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ पहाड़ी स्कूल के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन। 100+ एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं, इन्हें अच्छे से अटेंड कीजिएगा। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं, मिस कर दिए हैं, तो मैंने इनसे रिलेटेड ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखा है वर्ल्ड आर्ट नेम से। प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, A to Z आपको पूरे प्रीवियस वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे। ओके सो स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला के किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? मुगल, पहाड़ी, राजस्थानी या फिर कांगड़ा? रंगों का काव्य कांगड़ा को कहा जाता था। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन कहे गए हैं? संसारचंद्र, मूलचंद्र, विठलनाथ, परखू। प्रमुख चित्रकार पूछे जा रहे हैं, परखू। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा कौन से यात्री करते हैं? हेनरी मूर, ओ हेनरी, वॉल्टर स्कॉट, हेनरी क्राफ्ट, मोर क्राफ्ट। तो मोर क्राफ्ट करते हैं। के चित्रकारों ने रंगों का प्रयोग प्रतीकात्मक आधार पर किया था? दखनी, गुलेर, कांगड़ा या फिर बसौली? बसौली शैली। मोलाराम किस शैली के कलाकार कहे जाएंगे? राजस्थानी, पहाड़ी, बसौली, मंडी। मोलाराम पहाड़ी स्कूल के। चित्रकार नैनसुख और मानको का किस परंपरागत चित्रशैली से संबंध रहा था? गुलेर शैली से। चित्रकार मानको ने किस ग्रंथ को चित्रित किया था? रसिक प्रिया, गीत गोविंद, रामायण, महाभारत। गीत गोविंद। अंडकार रूप में व्यक्ति चित्र किस शैली में डिपिक्ट किए गए? राजस्थानी, पहाड़ी, कंपनी स्कूल या फिर अभ्रंश शैली? ऑफकोर्स पहाड़ी शैली। नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ था? पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल, जैन। पहाड़ी स्कूल में सबसे अच्छा अट्रैक्टिव फॉर्म में बनाया गया, इसलिए नारी सुषमा भी कहते हैं। कांगड़ा शैली के कितने प्रकार के नायिका भेद को डिटरमाइन किया गया था? 2, 3, स्वकिया, पकिया, सुपनका, ये 3 रही है ना, 3। पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ होता है? 20वीं शती, 18वीं शती, 21वीं या फिर 11वीं? 17 to 19 कहा जाता है, 17 to 19। दैट मीन्स प्रारंभिक टाइम ड्यूरेशन पूछा गया 18वीं शती। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र को डेवलप करती हैं? राजस्थान की पहाड़ियाँ, कश्मीर की पहाड़ियाँ, उत्तर प्रदेश की पहाड़ियाँ, पंजाब की पहाड़ियाँ? पंजाब की पहाड़ियों में। प्राकृतिक चित्रण को किस शैली में महत्व मिला था? पहाड़ी, राजस्थानी, आधुनिक या मुगल? पहाड़ी शैली में। पहाड़ी चित्रों में किस रंगों का प्रयोग किया गया था? हल्के, गहरे, काले या फिर सफ़ेद? ज़्यादा यहाँ पे चटकीले, ब्राइट और गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, गहरे रंगों का ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त होते हैं जो रामायण पर बेस्ड हैं? 15, 13, 14 या 20? मोस्टली 14, 14। मोलाराम कौन थे? नेपाली चित्रकार, राजपूत चित्रकार, मुगल चित्रकार, पहाड़ी चित्रकार? मोलाराम पहाड़ी चित्रकार कहे जाएंगे। सिकरे के साथ महिला किस शैली में चित्रित किया गया था? सिकरे के साथ महिला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग डन इन द स्कूल ऑफ गुलेर। सबसे अधिक कृष्ण लीला से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाई गई हैं पहाड़ी, अपभ्रंश, मुगल या फिर राजस्थानी? पहाड़ी स्कूल में। गुलेर शैली में रामायण पर आधारित चित्र की शैली में राजा के समय में बनाया गया था? राजा दिलीप सिंह के समय में। मोलाराम कौन थे? मूर्तिकार, चित्रकार, गीतकार, संगीतकार? मोलाराम एक फेमस चित्रकार हैं। गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी? संसार चंद्र, हरिश्चंद्र, दिलीप सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? गुलेर राज्य की स्थापना करते हैं राजा हरिश्चंद्र। कांगड़ा चित्र शैली किस राजा के समय में विकसित हुई? राजा गोवर्धन, राजा संसार चंद्र, राजा हरि सिंह, राजा सावन सिंह? कांगड़ा चित्रकला डेवलप्ड हुई है राजा संसार चंद्र के टाइम ड्यूरेशन में। महाराजा संसार चंद्र किस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक कहे जाते हैं? कांगड़ा।
संसार चंद्र के चित्र किस शैली में बने थे? कंपनी, पहाड़ी, राजस्थानी या फिर मुगल? पहाड़ी स्कूल में। कांगड़ा किस चित्रकला की शैली कही गई है? मुगल चित्रकला, दक्षिणी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव है? कश्मीरी, मुगल, जैन, राजस्थानी। मुगल। कांगड़ा शैली के चित्रों के मेन सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ करते थे? शिव पार्वती, मीरा कृष्ण, राम सीता, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा क्या नाम था? राजस्थानी, मुगल, गढ़वाली, पहाड़ी। ऑफकोर्स पहाड़ी शैली कहा जाएगा। ओके, कांगड़ा शैली का चरमोत्कर्ष लाइक गोल्डन या फिर उत्कर्ष हाईएस्ट पोजीशन टाइम कौन सा कहा जाएगा? 1786 to 1805। कांगड़ा शैली के निम्न में से प्रमुख चित्रकार कौन से कहे जाएंगे? श्यामलाल, पन्नालाल, रामलाल, कुशनलाल। कुशनलाल। ओके, कांगड़ा शैली के चित्रों का मेन सब्जेक्ट मैटर कृष्णलीला, रागमाला, नायक नायिका, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। कांगड़ा चित्रकला के विषय वस्तु नहीं है, कौन सा विषय नहीं था? महाभारत, रामायण, पंचतंत्र, रसिक प्रिया। पंचतंत्र। बसौली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन कहे जाएंगे? गीत गोविंद के कलाकार मानकू। बसौली शैली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? दिल्ली, मुंबई, पंजाब, राजस्थान। पंजाब में। बसौली क्षेत्र किस राज्य के अंतर्गत आता है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, गढ़वाल, हरियाणा। जम्मू एंड कश्मीर। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने थे? बूंदी, मुगल, कांगड़ा, बसौली। बसौली शैली में। कलाकार याद रखिएगा मानकू नाम था। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? लोक कला पर बेसिकली बसौली शैली को आधारित माना गया है। पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ था? गढ़वाल, गुलेर, बसौली या फिर कांगड़ा। रसमंजरी भानुदत्त की हैं और बनाए थे देवीदास ने। कलाकार देवीदास ने बनाए थे किस शैली में? बसौली शैली में। रसमंजरी के लेखक कौन है? भानुदत्त। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव रचनाकार हैं और कलाकार मानको ने बसौली शैली में गीत गोविंद चित्रित किए हैं। बसौली उपशैली किस लघु चित्रकला से संबंधित है? मुगल लघु चित्रकला, पहाड़ी लघु चित्रकला, दक्षिणी लघु चित्रकला। बसौली का उप शैली आपको बताना है, ठीक है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाने वाला है बी, पहाड़ी लघु चित्रकला शैली। हिमालय आर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है 1805 टाइम ड्यूरेशन का, जेसी फ्रेंच के थ्रू। कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? लॉरेंस विलियम, जेसी फ्रेंच, WG आर्चर। देखिए, कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है जेसी फ्रेंच को। गुलेर, नूरपुर, सुजानपुर किस शैली के केंद्र कहे जाएंगे? बसौली, गढ़वाल, कांगड़ा, इनमें से कोई नहीं, कांगड़ा। अल्लाह बख्श, मल्लाराम ये प्रसिद्ध चित्रकार किस शैली के संबंधित रहे हैं? अल्लाह बख्श और मल्लाराम शिक्कू शैली के कहे जाएंगे। डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ पर स्टेबल है? डोगरा आर्ट गैलरी इवन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, जम्मू में है। गढ़वाल शैली के जन्मदाता कौन कहे जाएंगे? बसावन, मंसूर, केशव, रामनाथ और हरदास। रामनाथ एंड हरदास। ओके, मौलाराम रहते थे कुल्लू, कांगड़ा, नूरपुर, गढ़वाल। मौलाराम बेसिकली कहाँ पर रहते थे? गढ़वाल शैली में। पहाड़ी शैली की सबसे सर्वोत्तम शैली कौन सी कही जाएंगी? कांगड़ा। हीर रांझा, सोनी महिवाल आदि पंजाबी लोक कथाओं का चित्रण किस शैली में किया गया था? कांगड़ा शैली में। कुल्लू शैली का प्राचीन नाम क्या था? कुल्लू शैली का प्राचीन नेम
कुल्ट या फिर कुलन पेट कहते हैं। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग डन बाई विच आर्टिस्ट, UGC नेट 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन से राइटर की है कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव? MS रंधावा की। चित्रकार नैनसोक संबंधित हैं किससे? पहाड़ी, राजस्थानी, जैन या फिर मुगल? नैनसोक। नैनसोक आपके बेसिकली बिलोंग करेंगे पहाड़ी स्कूल से, ठीक है। एंड द नेक्स्ट, मशहूर शैली उत्कृष्ट एकात्मक मोनोलिथिक वे में रिप्रेजेंट किया गया था। मशहूर शैली, ठीक है, मशहूर शैली आपका सिलेक्टेड जम्बू कांगड़ा, उदयगिरी या फिर नासिक? कांगड़ा कहा जाएगा। निम्नलिखित में से चित्रकारों में कौन कांगड़ा स्कूल से संबंधित नहीं है? कुशाला, पंडित सेव, फत्तू, परखू। तो देखिए, पंडित सेव बेसिकली कोई कलाकार नहीं थे, इनके थ्रू ये डेवलपमेंट फॉर्म कहा गया है। आप जब पढ़ोगे ना राजस्थानी स्कूल का डिटेल थ्योरी, पहाड़ी स्कूल का, तो सारे पॉइंट्स आपका क्लियर हो जाएगा। पहाड़ी चित्र शैली के प्राचीन चित्र किस राज्य के कहे जाएंगे? अर्की, गुलेर, कांगड़ा, बसौली। बसौली। बसौली के चित्रों में किस वैष्णव देवता को प्रधानता प्रदान किया गया? शिव, श्री राम, श्री कृष्ण, इंद्र। श्री कृष्ण। बसौली के चित्रों के विशेषताएं क्या हैं? रंगों की कोमलता, अभिव्यक्ति का ठेठपन, महीन रेखाएं या फिर सूक्ष्म विवरण? अभिव्यक्ति का ठेठपन, वहाँ के लोकल लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी गई, इसीलिए कहा जाता है ना वहाँ की लोक कला से प्रभावित रहा था। बसौली शैली के हाशिए किस रंग के यूज़ किए गए थे? उनका कलर स्कीम कौन सा था? गहरे लाल तथा पीले रंग में पट्टियाँ बनाई गई थी। प्राचीन काष्ठ उरेहर चित्र किस राजस्थान, किस पहाड़ी राज्य में प्राप्त होती हैं? बसौली, कुल्लू, चंबा, नूरपुर। चंबा में। चंबा की प्राचीन राजधानी भरमौल के राजमहल के कपाटों पर किस राजा की काष्ठ उरेहड़ चित्र छवि रिप्रेजेंट की गई, उकेरी गई थी? राजा पृथ्वी सिंह की। गुलेर शैली का विकास किस राजा के समय में हुआ था? मानसिंह, गोवर्धन, विक्रम सिंह या फिर दिलीप सिंह? गुलेर शैली का विकास गोवर्धन सिंह, गुलेर से गोवर्धन याद रखिएगा, ठीक है। कांगड़ा की चित्रकला का विकास किस राजा के समय में हुआ? घमंड चंद्र, संसार चंद्र, रणवीर सिंह या फिर अनिरुद्ध? कांगड़ा का विकास पूछे जा रहा है ना, संसार चंद्र। कांगड़ा चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? विरोधी रंग, संघर्ष, शीतल रंग, सपाट रंग या फिर गहरे रंग? कांगड़ा में मोस्टली संगीत, शीतल, कूल कलर्स को यूज़ किया गया। कांगड़ा के चित्रों में पशु पक्षी चित्रण किस प्रकार रिप्रेजेंट किए गए थे? अलंकारिक, खिलौने के जैसे, कठपुतली जैसा या फिर यथार्थ, एज लाइक रियलिस्टिक, यथार्थ को शो किया गया है, ओके। एंड द नेक्स्ट, कुल्लू की राजधानी सुल्तानपुर के राजमहल में किस राजा ने भित्ति चित्र बनवाए थे? भित्ति चित्र किस राजा ने बनवाए? प्रीतम सिंह ने। मंडी के किस राजा के समय चित्रकला का विकास हुआ था? मंडी के किस राजा के समय में चित्रकला का विकास हुआ? तो चित्रकला का विकास ईश्वरी सेन के समय में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, बसौली की चित्र शैली हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में प्रचलित होती हैं? कुल्लू में। मंडी के किस राजा ने जालपा और टेरना में काली के मंदिरों में भित्ति चित्र बनवाए थे? जालिम सेन। गढ़वाल में सर्वप्रथम किस राजा ने चित्रकारी का कार्य शुरू किया था, पेंटिंग्स का? हरदास और श्यामदास, बोथ आर, दोनों ने, ठीक है। सो हियर द राइट आंसर इज सी। पहाड़ी चित्रकला का विकास हुआ है कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। पहाड़ी चित्रकला का विकास हिमाचल प्रदेश में। चित्रकार देवीदास
किस शैली से संबंधित हैं? कांगड़ा, गुलेर, चंबा, बसौली, देवीदास, नैन सुख, रांझा मानको, ये 4 आर्टिस्ट हैं फेमस बसौली शैली के। लघु चित्र शैली की निम्नलिखित कलाओं में से कौन सी कला हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल की पहाड़ियों में संरक्षित हैं? पहाड़ी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, जैन चित्रकला। सो हियर द राइट आंसर इज ए पहाड़ी चित्रकला। एंड द लास्ट क्वेश्चन, 1790 के टाइम ड्यूरेशन में निर्मित पहाड़ी शैली कांगड़ा के सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ, आपको पता ही थे ना, मैंने शुरू में ही एक्सप्लेन किया था कि 1790 में पहाड़ी शैली में कांगड़ा में उकल बंधन का प्रयोग चित्र बनाया गया था और दूसरा उकल बंधन बसौली शैली में भी चित्रित किया गया। तो 1790 में जो कांगड़ा में उकल बंधन के चित्र मिली हैं वो प्रेजेंटली एग्जिबिट हैं भारत कला भवन वाराणसी में। मेक श्योर आपको सारे ही क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आफ्टर दिस क्लास फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ तंजौर, तमिलनाडु, कालीघाट एंड कंपनी स्कूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डेली एवरीडे ये क्लासेस आपकी 8 AM पर होंगी, सुबह 8 बजे। सभी लोग एवरीडे अटेंड किया करें। आफ्टर दिस क्लास एक प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो बेस्ट विशेज फॉर योर एग्जाम।